नमस्कार मेरे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो अच्छी हूँ और मैं आज एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ आपके और आपके बच्चों के लिए, जो कि आजकल के जो भी बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, सबको बहुत पसंद है डोरा केक। और डोरा को केक आप कैसे घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, देखिए इसका इंग्रेडिएंट्स है, मैदा है, शुगर पाउडर है, हनी है, बेकिंग पाउडर, मिल्क, वनीला एसेंस, तो इतना ही कुछ चाहिए। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी और बहुत ही आसान तरीके से मैं बना के और दिखाऊँगी एकदम परफेक्ट डोरा केक। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पे अगर मेरे फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी इसी तरह के मैं बहुत ही आसान आसान रेसिपी लेके आते रहती हूँ अपने चैनल पे। तो चलिए देख लीजिए कि कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें एक मिक्सिंग बाउल में डालनी है मैदा, तो एक बड़ा चम्मच मैदा। और उसके बाद इस शुगर पाउडर हम डाल रहे हैं, तो शुगर पाउडर 2 चम्मच यहाँ पे रखे हुए हैं पर एक ही चम्मच डाल रहे हैं। उसके बाद तेल डाल दे रहे हैं, शहद डाल रहे हैं, सॉरी शहद डाल रहे हैं। और अगर आप चाहें तो बटर भी इसमें डाल सकते हैं, ये है वनीला एसेंस। और अब हम डाल लेंगे बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर, शहद, वनीला एसेंस, दूध, सब कुछ डाल लेना है, मैदा, शुगर पाउडर, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब लास्ट में इसमें देखिए मैं दूध डाल ले रही हूँ। यहाँ पे अगर आप चाहें, आपके घर में अवेलेबल हो, तो आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, साथ में बटर भी डाल सकते हैं। तो मेरे घर में जो भी था सामग्री अवेलेबल, उसी से मैं बना रही हूँ और बहुत ही परफेक्ट बना था, अच्छा बना था। तो इस तरह से हमको फेंट लेना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। 10 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना रहे और एकदम परफेक्ट बन जाए। यहाँ पे वनीला इसमें थोड़ा सा मैं और डाल ली हूँ, क्योंकि बहुत कम, मैं छोटा सा एक देखे होंगे, बहुत छोटा सा चम्मच से मैं डाली थी, तो थोड़ा सा यहाँ पे वनीला इसमें और मैं डाल ली हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और एक नॉन स्टिक का आपको तवा लेना है डोरा केक बनाने के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल रोटी वाला तवा रहता है उसमें चिपक जाता है ये। तो यहाँ पे देखिए तवा मेरा गर्म हो चुका है, इसमें थोड़ा सा ऑयलिंग मार्क मैं कर ले रही हूँ, ग्रेसिंग कर ले रही हूँ। बार बार डालें, अलग अलग चम्मच से ना डालें, नहीं तो अलग अलग साइज़ के डोरा केक बन जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा बैटर परफेक्ट तैयार है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला। और बैटर को हमें फैलाना नहीं है, एक ही जगह पर डालना है, ये अपने आप अपना शेप ले लेगा, फैल जाएगा। अब इसे हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए, और अब इसे धीरे से इसी तरह से पलट लेना है और एकदम फ्लफी जालीदार डोरा केक बनकर तैयार है। तो इसी तरह से सारे डोरा केक हमें बना लेना है, और ये बहुत ही कम समय में, टोटल 4 से 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। 2-2 मिनट के लिए दोनों तरफ से ढक कर हमने पकाया था इसे। और चलिए अब मैं निकाल ले रही हूँ, और यहाँ पर ली हूँ मैं व्हिपिंग क्रीम थोड़ा सा, और कोको पाउडर इसमें मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास कोको पाउडर, व्हिपिंग क्रीम ना हो घर में, तो आप चॉकलेट सिरप या चॉकलेट को गर्म पानी से पिघलाकर उसका भी आप बीच में इसका फिलिंग लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं बीच में कैसे इसे लगाना है वो मैं दिखाती हूँ आपको डोरा केक में। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, चलिए अब हम फिल करते हैं इसे। तो इस तरह से एक केक लेना है, उसके बीच में इस तरह से लगा लेना है, और इस तरह से ऊपर से रख के, और सारा डोरा केक मेरा तैयार हो चुका है दोस्तों। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.